हाँ देख ले वो तो। अच्छा हूँ आ कितना आ जाएगा, 1/15, तो वी कितना आ गया 20, है ना। तो मतलब जिहड़ी इमेज है वो बेसिकली इत्थे बनेगी फाइनल इमेज। नेक्स्ट बोलो। ये दसो भी तुहानू की समझ आई है, केड़ा कंसेप्ट तुहाडे दिमाग च आ रहा है। लेंस दिता एक, सामने की है एक ऑब्जेक्ट, लेंस दे सामने की है ऑब्जेक्ट ही, कॉइन कह लो जो मर्जी, तो उस कॉइन की इमेज बन रही है लेंस के कारण, है ना। हाँ हम सुनो, जब जिहड़ा लेंस है तो आ लेंस है पुत्र, आ गल सुनियो, ये सामने ऑब्जेक्ट कॉइन कितनी दूर है, 50, कॉइन बॉटम पे है पुत्र, ते लेंस तो 50 सेंटीमीटर। मैं ये डायग्राम अलग तरीके ना समझा रहा हूं, देखो तो आ थोड़ा कॉइन ऑब्जेक्ट है, तो आ दूरी 50 सेंटीमीटर है और इधर इमेज बन रही है, तो आप उत्तर यू है ते आप वी है, तो एफ निकल सकता थोड़ा लेंस का, तो पहली कंडीशन तो एफ निकलेगा लेंस फार्मूला लगा के। एफ लिख, कितना 50/3। चलो हूं उन्होंने पता की किया, ऑब्जेक्ट के लेंस दे विच वाली जगह नू पानी नाल पाता लिक्विड के साथ, है ना। आधी फर्क आ लिक्विड और पानी च फर्क है, पानी लिक्विड है बट लिक्विड पानी होए जरूरी नहीं, तो क्योंकि आपा कढ़ना पता की है लिक्विड दा, हाँ क्योंकि जो पानी है फिर तो पता ही है 4/3, बट हुन ये लिक्विड दी हाइट देती है ना। हम गल सुनो, एक्चुअली ये डायग्राम में हुन लिक्विड फ्लो करता ठीक है, पर इनू तुसी ना ग्लास स्लैब वांग देखो लिक्विड नू, ते ग्लास स्लैब लिक्विड अगर मतलब जिहड़ी स्लैब है वो लिक्विड दी बनी है सॉलिड है, तां उहदी थिकनेस 40 सेंटीमीटर, तो इहदा मतलब आ गई स्लैब 40 सेंटीमीटर। हुण होया की, हुण एक्चुअली ना जिहड़ी चीज़ नूं आपां थ्रू स्लैब देखदे आ वो लिटरली नहीं नॉर्मल शिफ्ट कर जाएगी। इहदा मतलब आ जिहड़ा लेंस है, जदों लेंस और ऑब्जेक्ट च सारा वैक्यूम सी तां
दूरी 50 सी, पर हुण लेंस नू ओ नहीं नजर आएगा, ओदी इमेज नजर आएगी किन्नी, तो ओ आपां इत्थों देख सकदे हां, नॉर्मल शिफ्ट कर सकदे हां, या इधरों एपरेंट डेप्थ हाँ एपरेंट डेप्थ निकल आओ। ये एपरेंट डेप्थ द फार्मूला की है, रियल डेप्थ मतलब आ डिस्टेंस पता की है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो मतलब आ जी एपरेंट डेप्थ है ये 40 बाय म्यू है ना, ते आ डिस्टेंस कितना वा 10। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਪਲੱਸ 40 ਬਾਈ ਮਿਊ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ, ਤੇ v ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ 7 ਪਲੱਸ, ਔਰ f ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 50 ਬਾਈ 3, ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਮਿਊ ਕੱਢ ਲਓ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। एक्चुअली ये डायग्राम नीचे नू बननी सी ना, मैं जान के बनाई क्योंकि सानू माइंड नू कन्वीनियंट है इदां दी डायग्राम देख, तो आप जी थिकनेस है पानी दी लिक्विड दी रादर उनू स्लैब दी फॉर्म च ले लिया। तो देखो म्यू कितना है, लेंस फार्मूला लगाओ, म्यू निकालो, रियल डेप्थ ओवर म्यू इनटू म्यू उदो होंगी पुत, जदों असी रेरर डेंसर तो देखते हैं, रेरर वाल लिखाए तो हुए सारे है ना, नेक्स्ट लिखो, देखो कितना आ गया म्यू, कितना सॉल्व सॉल्व कर लिया करो पुत्र, यही तो प्रैक्टिस उत्थे होनी नहीं ना, फिर तुहाडी फिर कहना टाइम लगता। कैलकुलेशन गलत कीती है, पहला कल्ला यू निकाल लो ना, तो यू नू एदे नाल इक्वेट कर दियो, वी और एफ पता होए तो यू किदा, तो u माइनस 40 आ गया है ना, तो उन्हें इक्वेट कर लो अब माइनस वाले नाल ही साइन कन्वेंशन लेके, तो 10 प्लस 40 बाय म्यू इज इक्वल टू 40, फोर बाय थ्री पानी बन जाना ना है। ना सीधा पानी है लिक्विड, क्लियर है, नेक्स्ट बोलो। हाँ कोई बात नहीं,
of 1 meter from an object or converging lens between the object and the screen when placed at any of the two positions which are 60 cm apart from the sharp image of the object on the screen. Find focal length of the lens. पढ़ ली स्टेटमेंट हूँ केड़े कंसैप्ट नाल जुड़िया है पता कुछ कोई सिग्नल आया दिमाग गल आया सारी थ्यूरी दी मतलब दोबारा स्टेटमेंट पढ़ आराम नाल उच्ची नी आराम नाल सुने सारे नु आराम ना पाए रुक जा हुण इहदे इत्थों कुछ हिंट आ रहा है कोई थ्यूरी पढ़ी सी इहदे नाल दी ਉਹਦੇ ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਬਜੈਕਟ ਔਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਨਹੀਂ ਫੈਕਟ ਹੈ ਪੁੱਤ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਵੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਕਾਪੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨ ਆਬਜੈਕਟ 'ਚ ਦੂਰੀ ਫਿਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਂਥ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਰਕਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਕਰਾਇਆ ਸੈਪਰੇਟ ਕਲਾਸ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਹੈਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਹੈਂ ਉਹ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਿਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਪੁੱਤ ਚਲੋ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨਾ ਓ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਈ ਵਨ ਆਈ ਟੂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ ਹੈਂ
हाँ ओदे च नहीं होना मिलना है नहीं का नाले छोटा ये का मिले हो ये ना तो लिख लो फिर ये नाल जदन नहीं है ना आवला फार्मूला तो इस फार्मूला च डी दा मतलब तो है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन दे विच फिक्स्ड डिस्टेंस ते एक्स है भी दो ये नहीं है उच्च हाँ उस तो नाल ही आना सी उदे आप उत्तों डी सी का लेंथ अपना स्क्रीन ते ऑब्जेक्ट की दूरी कैपिटल डी वो एक मीटर देती है ना ते एक्स सी कि आप स्क्रीन और ऑब्जेक्ट दे विच गिवन लेंस नू दो अलग अलग जगह ते रख के स्क्रीन दे ऊपर इमेज ले सकते हैं तो वो जड़ी लेंथ दिया दो पोजीशंस दे विचली दूरी है वो 60 सेंटीमीटर नहीं देती है थी उन्हें वो एक्स है एफ निकल आए नेक्स्ट बोलो और एदे विच ही भई जदों आपां ऑब्जेक्ट ते स्क्रीन दे विच लेंस दी पोजीशन नू बदल दे आ ता स्क्रीन दे उपर बनन वाली इमेज दी साइज भी बदल जांदा ते उत्थे दो अलग अलग इमेज दे साइजेस दा ऑब्जेक्ट दे नाल रिलेशन आ प्रूव भी कीता सी ना ए सेकंड पार्ट च एदा ठीक है सेकेंड पार्ट च आई वन आई टू दिता होया वो कटना वा नेक्स्ट बोलो बोलो पहला लेंस कॉन्वेक्स है उदे सामने ऑब्जेक्ट रखिया वा पॉइंट ऑब्जेक्ट एदी फोकल लेंथ कितनी है हैं ऑब्जेक्ट कितनी दूर है तो हुन नेचुरली जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड फोकस होन करके इमेज इस साइड बनेगी ठीक है तो इस लेंस दी इमेज इस साइड पे रखे कन्वेक्स मिरर ली केड़ा रोल प्ले करूं ऑब्जेक्ट दा है ना ते हुन वो कन्वेक्स लेंस इत्थों किन्नी कन्वेक्स मिरर किन्नी दूर है 10 तो गल नु सुनो हुण पुत्ते ये करवाया होया तुहानू देखो आ कन्वेक्स मिरर है ये इत्थों 10 सेंटीमीटर दूर है हुण ध्यान देइयो ये लिखाईयां होईयां कंडीशंस है तुहानू अगर कन्वेक्स लेंस दे अग्गे कन्वेक्स मिरर रखिया जाए ते जेडी फाइनल इमेज है उसे जगह ते बने जिस जगह ते ऑब्जेक्ट है वो ता हुंदा जेकर कन्वेक्स लेंस दी बनन वाली इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बने 2r है ना r by 2 हुंदी फोकल लेंथ पता लग गया तो
आप उत्तर टू एफ हो गया ना, समझ आई? और हम तुसी समझो मतलब आ जरा टेन प्लस टू एफ है ये बेसिकली वी है लेंस दी, है ना? हुन लेंस दी वी काट सकते हैं तुसी लेंस फार्मूला तो, तो उस वी नू टेन प्लस टू एफ नाल इक्वेट करके एफ निकल आएगा। ये थ्योरी वाल पुत ध्यान दियो, है ना? जे भुल गए हैं फिर दोबारा जाके थ्योरी नू पकड़ो, उस तो गल शुरू होनी है, खत्म भी उत्थे हो जानी फिर नाल, क्योंकि जो तो ये गल ही नहीं दिमाग च आ रहे, साडा कोई इमेज ही नहीं बन रही, इहदा मतलब प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होनी, है ना? घबराना नहीं, सारे नाल इदा ही होना, पर जिन्हें अगे जाना उन्हें और थ्यूरी रिवाइज कर जानी है, बाकी ने नहीं करनी। नेक्स्ट बोलो। लगी समझ कुछ? एक्रोमेटिज्म, हाँ, वो दो लेंस नू जोड़िया, इहदा मतलब इत्थे जिहड़ा साडा सिस्टम है वो दो लेंसेज नू मिला के बनिया। पहली गल हुण वो जिहड़े दो लेंसेज है ना पुत्तर, तो मान लो पहले लेंस की फोकल लेंथ है F1, दूजे की है F2 या FB करती, ए भी दो लेंसेज नाम रखे उन्हें, तो एफ ए एफ बी करती। हुण इस कॉम्बीनेशन के सामने ऑब्जेक्ट कितनी दूर है और उसकी इमेज बन रही है कितने? की साइज दस्या? हाँ, तो कोई गल नहीं, तो M जेड़ा हुंदा I over O, ओ V by U नहीं हुंदा लेंस ले, हुंदा कि नहीं? हुण I किन्ना मा, मतलब इस न्यूमेरिकल च ना सारा ही लेंस दा सारा पोर्शन आ गया, I 2 क्यों माइनस क्यों नहीं? हाँ, इनवर्टेड होंगी फिर, तो टू और ओ वन है, ओ सिक्स है, इज इक्वल टू, तो वी आ गया, है ना? तो ये इमेज वर्चुअल है। अच्छा हुण गल सुनियो पुत, ए यू ते वी जिहड़े कढ़े है इत्थों एफ, एफ किहदा आऊ? कॉम्बीनेशन दा, तो वन ओवर एफ इज इक्वल टू वन ओवर वी प्लस माइनस वन ओवर लेंस है ना, तो इत्थों एफ कढ़ो, तो ए वन ओवर एफ किहदे बराबर लिख देंगे? वन ओवर एफ ए प्लस वन ओवर एफ बी, माइनस नहीं, सानू नहीं पता कि कौन की है, है ना? माइनस क्यों किया? हैं? केदा माइनस पुत्र? नहीं आए ना दोनों का रिजल्ट माइनस आ गया, इक्वेशन बन गई एक। अच्छा हुन कितना आ गया सी? माइनस टू
हाँ 2/30 होगा ना, नहीं हाँ इक्वेशन को तो लिखी, कोई बात नहीं। तो 1/FA + 1/FE = -1/15 आ गया, यही हुआ इक्वेशन एक हो गई है। हम दूसरी इक्वेशन कितों आऊ तो अपन याद रखना रेशो तो दिती है, रिलेशन भी पता होना चाहिए कि है ना, एक्रोमेटिज्म की कंडीशन होती है ओमेगा ए बाय एफ ए प्लस ओमेगा बी बाय एफ बी इज जीरो। तो इतों समझ आई, याद रखने पैने रिजल्ट्स, गल नूं समझो। एफ बी ओवर एफ ए दी रेशो हुणा डिस्पर्सिव पावर दी रेशो दित्ती तुहानूं, केदी दित्ती है ए ओवर बी दी, तो फिर 2/1 हो गया, सीधे बोलता है ना। इहदा मतलब इत्थों हुण एफ बी किन्ना आ गया माइनस, इत पुट कर दो तो उतो एफ ए निकल आऊ, पर फार्मूलाज नहीं याद हो गए तो मुश्किल नहीं इम्पॉसिबल नामुमकिन। तो इंपॉर्टेंस नू समझो पुत्र, नेक्स्ट बोलो। कर ले नोट, चलो बोलो। देखो देखो इस लेंस नूं इस प्रॉब्लम दे विच आपां जिहड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप करते हैं पुत्र उहदे च एक ऑब्जेक्टिव लेंस हुंदा एक आई लेंस हुंदा। जे आपां चाहुंदे हां कि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ते बने तां ऑब्जेक्टिव लेंस ते आई लेंस दे विचली दूरी फिक्स है, है ना। अच्छा हुण इस केस च थोड़ा जिहड़ा हुण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिहड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस है वह सिंगल लेंस का नहीं बनया, वह किन्ने लेंसेज का बनया, सैवरल सैवरल है, कोई गल नहीं। हुण वह जिहड़े सैवरल लेंसेज है उन्हां दी कोई रिजल्ट तो होएगा ही, टोटल फोकल लेंथ
ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਫ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਏ ਜਿਹੜੇ ਸੈਵਰਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਇੰਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ ਸੈਵਰਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਨ ਬਾਏ ਐਫ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆ ਐਫ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 0.0 ਮੀਟਰ ਚ ਯੂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਆਬਜੈਕਟ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਾਲੋ ਫਟਾਫਟ ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤ ਇਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਸਿਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਨਰ ਚ ਬੈਠੀ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੀ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆਹੋ ਆਪ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਆਪ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਫਟਾਫਟ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਬਣਨਾ ਇਹੀ ਬਣਨਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਹੁਣ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਤ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇੰਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਰਿਮੂਵ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਨ ਨਿਕਲ ਆਊ ਐਨ ਕੱਢ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਐਨ ਫਾਈਵ ਆ ਗਿਆ ਐਨ ਫਾਈਵ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਓਵਰ ਐਫ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ 4 ਬਾਏ ਐਫ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ 'ਚ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨਾ
ਹੁਣ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਯੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪੁੱਤ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਮੇਜ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਮੇਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂ? ਸਮਾਲ ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.1 ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਆਇਆ 3/20 ਆ ਗਿਆ 3/20। ਇਹ ਮੀਟਰ ਚ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਔਰ ਆ ਹੈ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਂਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਔਰ ਆਈ ਲੈਂਸ ਹੈ, ਤੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਈ ਲੈਂਸ ਤੇ, ਆਈ ਲੈਂਸ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਆਹ ਆਈ ਲੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸੇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਐਫ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 0.02, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਆ 15 ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇਹ ਲੈਂਸ ਵੱਲ, ਆਈ ਲੈਂਸ ਵੱਲ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਈ? 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਬਦਲੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਈ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ? 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਗੱਲ? ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ? 6 ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੁੱਤਰ